पंजाब में सियासत को लेकर आइए आपको बताते हैं कि क्यों मुश्किल में आ गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की ही कई कमजोरियां रहीं, जिन्हें मुद्दा बनाकर विरोधियों ने उनकी कुर्सी पर संकट खड़ा करने की पूरी पटकथा तैयार की है। सबसे पहले कैप्टन पर पार्टी नेताओं से न मिलने के आरोप लगे, वहीं सूबे में अफसरशाही का हावी रहना बीच में एक बड़ा कारण था। साथ ही उन पर विपक्षी दलों से सांठगांठ का भी आरोप लगा। पंजाब कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिद्धू ने कैप्टन को इसी दाम से पटकनी देते के लिए पर्दे के पीछे सारा सियासी खेल रचा। सिद्धू बार बार कैप्टन की इस कमजोरी को जाहिर करते गए। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस में कैप्टन के खिलाफ खुली बगावत होने लगी। सिद्धू के इस गांव से फंसे कैप्टन को मजबूर होकर नेताओं से मिलना पड़ा। यहां तक कि विधायकों से न मिलने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह चेयरमैन तक से मिलने लगे, जो आरोप सिद्धू लगाते रहे। कैप्टन ने उन्हें सही साबित कर दिया। इसके बाद कैप्टन की कुर्सी को खतरा और बढ़ चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में अक्सर कहा जाता रहा कि वो महाराजा स्टाइल में काम करते हैं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि विरोधी उन पर फार्म हाउस से सरकार चलाने के आरोप लगाते रहे। हालांकि कैप्टन के इस बाद तालमेल के लिए कुछ एडवाइजर भी लगाए गए हैं, लेकिन विधायकों की बात सुनने की बजाय एडवाइजर टकराव करने लगे हैं। इसके बाद कैप्टन के खिलाफ पूरी सियासी जाल बिछता चला गया। सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस की कुर्सी संभालते ही नेताओं से न मिलने के विवाद को हावी कर दिया। इसके बाद विवाद भी खुलकर बोलने लगे और साथ ही विधायक भी। पंजाब में अफसरशाही होने के आरोप लगाए गए। इस पर कैप्टन को विधायकों और नेताओं से मुलाकात कर फोटो तक जारी करने पड़े। नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनने के बाद कैप्टन से बैठक की। उन्हें कहा वो हर हफ्ते मंत्रियों को कांग्रेस भवन भेजे ताकि वो कांग्रेस वर्करों की मुश्किलें सुन सके। कुछ मंत्री आए भी, लेकिन इसके बाद ये मामला भी ठप हो गया। इसके बाद पंजाब में संगठन और सरकार के बीच तालमेल के लिए कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन कैप्टन अमरिंदर थे, जिसमें 3 मंत्रियों समेत 13 मेंबर रखे गए थे। हालांकि इसमें सिद्धू का नाम काफी नीचे था, उन्हें को चेयरमैन तक नहीं बनाया गया। इसकी 3 बैठकें रखी गई, लेकिन हर बार सिद्धू ग्रुप ने ये बैठक टाल दी। वहीं अपने इस कार्यकाल के दौरान पूर्व डीजीपी सैनी के खिलाफ कार्रवाई, बेअदबी मामले और ड्रग्स रैकेट पर कठोर कार्रवाई के मामले में कैप्टन पर विपक्षी दल से सांठगांठ के आरोप लगे। इसे भी पार्टी के उनके विरोधियों ने मुद्दा बना दिया और हाई कमान तक इस मामले को ले गए। 2017 में कांग्रेस में कई मुद्दों पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया था। इस दौरान कई वादे भी आम जनता से किए गए थे, लेकिन अपने पूरे कार्यकाल में इन चुनावी वादों की अनदेखी भी कैप्टन को बाड़ी पड़ गई।